मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ कोई नया विकल्प तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है। अटकलों का बाजार गर्म हुआ है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ राहुल गांधी से मिलने नहीं पहुंचे। इन अटकलों को पहली बार तब और बल मिला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे बंगले पर जाकर मुलाकात की। कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने नहीं गए। इस बात से साबित हो गया कि गांधी परिवार, कांग्रेस और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूरी कांग्रेस अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार्य कर रही है तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में पूजा पाठ में व्यस्त हैं। इसके साथ ही कमलनाथ और नकुलनाथ मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। विधानसभा में भी सबसे आखिरी में शपथ लेने वाले विधायकों में कमलनाथ ही थे। उन्होंने 8 जनवरी को विधायक पद की शपथ ली है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बात ने बल पकड़ लिया है कि कमलनाथ जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ही मुलाकात के लिए प्रयास कर रहे हैं। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कमलनाथ के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं और भाजपा सरकार पर उस तरह से हमलावर नहीं है जिस तरह उन्हें होना चाहिए। 2 दिन पहले कमलनाथ के द्वारा किया गया ट्वीट कांग्रेस पार्टी के लीक से हटकर है। उन्होंने कहा था कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, भारत सनातन धर्म का देश है, हमारी यही भावनाएं हम सबको बल और शक्ति देती हैं। अब जबकि पूरी की पूरी कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे पर कुछ भी सकारात्मक बोलने से बच रही है, ऐसे में कमलनाथ का बयान बहुत कुछ कह रहा है। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी कथित रूप से कांग्रेस से परे विकल्प तलाश रहे हैं। 3 दिन पहले कमलनाथ भोपाल में साध्वी ऋचा गोस्वामी से भागवत कथा सुनने पहुंचे। उन्होंने सनातन धर्म की जोरदार तारीफ की और कहा कि भारत विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति है, सनातन धर्म हमें सदा मानवता की सेवा करने की शिक्षा देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे जोर शोर से निकाल रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस और उसके नेताओं के द्वारा यात्रा से संबंधित सोशल मीडिया में कई पोस्ट की जा रही हैं। राहुल गांधी और केंद्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट किया जा रहा है, लेकिन पिछले कई दिन बीत गए हैं, कमलनाथ ने कांग्रेस और राहुल गांधी की एक भी पोस्ट को रीपोस्ट नहीं किया है। जब वह मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो लगातार ये काम बखूबी अंजाम दे रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेतृत्व से दूरी, सनातन धर्म की तारीफ और भाजपा नेताओं से करीबी कमलनाथ को भाजपा की ओर जाने के संकेत को प्रबल कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ के मीडिया सलाहकार प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबरों को अफवाह और साजिश करार दे रहे हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर रहा है, लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में भगवान राम के नाम का जिक्र करते हुए पर्चे भी बांटे हैं। लोगों से कम 108 बार भगवान राम लिखने की अपील की है। कागज पर भगवान राम का नाम 4,31,00,000 बार लिखना है, जिसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या भेजा जाएगा। गौरतलब है कि कमलनाथ कांग्रेस की परंपरा से अलग अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कहां जाकर रखेंगे, इस बात का खुलासा तो आने वाले दिनों में ही हो पाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद में कमलनाथ ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए समय भी मांगा था, लेकिन उन नेताओं ने कमलनाथ से मिलने के लिए समय नहीं दिया। जबकि नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं से मिलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। अब छिंदवाड़ा के अलावा कमलनाथ की कहीं भी पूछ परख नहीं हो रही है, ऐसे में भाजपा से उनकी करीबी के चर्चे बड़ा संदेश दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।